तो फाइनली बिहार बोर्ड द्वारा अभी अभी जो है मैट्रिक का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। आप लोगों को मार्कशीट के साथ में कहां से और कैसे जो अपना रिजल्ट को डाउनलोड करना है, कैसे देखना है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करना है। जैसे सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे सरकारी सेंटर आएगा, इस पर आप लोगों की क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे रिजल्ट वाला सेक्शन में जो आप लोगों को फटाफट से आ जाना है। यहाँ पर बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट चेक 2022 आउट, इस पर जो आप लोग को क्लिक करना है फटाफट से। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो आप लोग को आ जाना है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं 10th रिजल्ट चेक 2022 आपको लिंक 1 पर क्लिक करना है। अगर ये काम नहीं करेगा तो इस पर क्लिक करना है, ये काम नहीं करेगा तो इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले जो आपको कोशिश करना है यहाँ पर लिंक 1 पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले रोल कोड, रोल नंबर और एक कैप्चा कोड को जोड़कर नीचे फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से जो यहाँ पर मैं रोल कोड डाल देता हूँ। रोल कोड डालने के बाद जो है नीचे आप लोग को इंटर रोल नंबर में अपना रोल नंबर फटाफट से डाल देना है। डालने के बाद जो है नीचे कैप्चा कोड जो है दिख रहा है 13 और 75 कितना हो गया, तो 88 हो गया। 88 फटाफट से यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जो यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा मार्कशीट के साथ में। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप इसका जो है आप चाहे तो यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा सारा का सारा जो यहाँ पर देख सकते हैं किस विषय में कितना आप लोग अंक प्राप्त किए हैं। नीचे आप लोग को टोटल मार्क्स देखने को मिल जाएगा 332। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को पास, फर्स्ट डिवीजन।